होना चाहिए बैलेट पेपर पे, अगर ईवीएम में होगा तो महाभारत होगा। कोई कंपनी नहीं है गुजरात में जिसमें 25% मोदी के कमीशन न देता हो। आने वाले समय में सरकार जो है ना सबको बेच चुका है। जो पुरुष अपने औरत को नहीं रख पा रहा है तो देश क्या चलाएगा वो? बात करते हो यार बाबा, लोग अपने इज्जत के लिए अपने बीवी को ऊपर उड़ करते, भैया कुछ भी करो लेकिन रहो घर पे चाहे जैसे रहो। अब तुम प्रधानमंत्री बन गए, बीवी तुम्हारी अलग है, राम प्रतिष्ठा कर दी और बीवी नहीं ले गए, राम प्रतिष्ठा कर खिलवाड़ कर रहे हो, ये भी अंग्रेज से बिके हुए है। एक बात बताइए, एक गरीबी दूर कर रहे थे ना, चलो अभी आदिवासी जंगल में देखा है जो मुसहर है किसी का जो है आपको कार्ड नहीं मिलेगा, हमारे गांव में बुलेट है उसका लाल कार्ड दिखाएंगे आपको, हमारा खुदे लाइसेंस रद्द कर दिए, जो कोटा में गल्ला बांट रहा है वो चार तल्ला मकान बना लिया, अब खाने वाले आज भी गरीब कल भी गरीब, मतलब 5 किलो गल्ला दे करके घरवा दुअरवा सब नाम करा लो, वो साइन कराते हो ना अंगूठा लगता है, इसमें भी गोलमाल है। पुलिस वाले खादी और खाकी ये तीन आदमी पूरे समाज को खा गए। अब ये आने वाले समय में फिर राज्य चलेगा, कल 12 बजा था ना आज भी 12 बजेगा, ये सरकार नहीं चलेगा। और जो हमारे देश को बांटे, जो हमारे गांव को बांटे, जो हमारे खानदान को बांटे, जो हमारे कुल को बांटे, ये सब पक्का धरती के बोझा हैं, ये सबको मर जाने से ही हमारा धरती जो मतलब बोझा विहीन होगा। अब यह है कि मोदी के हटाओ देश बचाओ, अब घर घर मोदी नहीं रहेगा ना घर घर वो रहेगा। और कार्यकर्ता जैसे हमारे गाँव में बीजेपी के बहुत नेता है, उसमें 80% नेता बेईमान है, हमारे गाँव के जो है बीजेपी में है। ईवीएम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हड़ताल पे हैं, देश हड़ताल पे है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, ईवीएम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं। भाई ईवीएम पर अब आदमी को विश्वास नहीं है, टूट चुका है, तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करा दिया जाए, इसमें कौन सी खराबी है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आरके निषाद और स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक News24 में। दोस्तों बता दें कि इन दिनों ईवीएम को लेकर भारी जन आंदोलन चल रहा है और ईवीएम की जो आवाज़ है वो देश की राजधानी दिल्ली से होते हुए अब गांव-गांव तक पहुंचने लगी है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का भी बहुत जल्द आगाज होने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में चुनावी तैयारियाँ भी जोरों शोरों पर हैं। आज हम जानने के लिए निकले हैं कि लोगों में ईवीएम को लेकर और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या सोचते हैं लोग आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लगता है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम पर होगा या फिर बैलेट पेपर पर। हमारे साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि एक ट्रक चालक भी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों का। चाचा स्वागत है आपका दर्शक News24 में, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ शिवजी शुक्ला जी। चाचा जिस तरह से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है आप देख पा रहे होंगे दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए अब देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोने में इसकी आवाज़ गूंजने लगी है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब आवाज़ पहुँचने लगी है, आपकी क्या राय है ईवीएम को लेकर? ईवीएम जो है वो मशीन कंप्यूटर में एक जो है बटन दबाएंगे, चार जो है पेपर वो एक्स्ट्रा तैयार करके देगा, और जो बैलेट पेपर है वो ठप्पा लगा हुआ एक एक रहेगा, वो दो नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंप्यूटर जो सेट है ना ईवीएम में सेट कर देंगे, वो एक ही लगाओगे मोहर, वो लगेगा चार मोहर, पहले कमल का पहले निकाल देगा पर्ची, वो सबका सेटिंग है अंदर से होता है, जैसे पेट्रोल में सेटिंग है। हमारे चाचा जो है पेट्रोल पंप के मालिक थे जो है जुआर में बम्बई, और आज तेल देते देते चार पेट्रोल पंप के मालिक बने हुए, कैसे पॉइंट कर करके, हर लीटर में 2 पॉइंट कम रहेगा, जो एफ डालते दबा देते ना दो बार तो 100 ग्राम में 200 ग्राम कम देगा डीजल, उसी प्रकार ईवीएम में भी है, वो सेट कर देगा तो एक पर्ची दबाओगे वो चार एक्स्ट्रा बनाकर उखड़ देगा। कहीं ना कहीं आप भी कहते हैं कि जो है ईवीएम में गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये कंप्यूटर कौन बनाया, इंसान ही बनाया ना, जिसको भगवान ने बनाया वो कभी कमी नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर गलती कर सकता है, कंप्यूटर से कितना पैसा सर्वर जो है ठगी हो रहा है। आने वाले समय में सरकार जो है ना सबको बेच चुका है। एक बात बताओ, जो पुरुष अपने औरत को नहीं रख पा रहा है तो देश क्या चलाएगा वो? बात करते हो यार बाबा, लोग अपने इज्जत के लिए अपने बीवी को ऊपर उड़ करते, भैया कुछ भी करो लेकिन रहो घर पे चाहे जैसे रहो। अब तुम प्रधानमंत्री बन गए, बीवी तुम्हारी अलग है, राम प्रतिष्ठा कर दी और बीवी नहीं ले गए, राम प्रतिष्ठा कर खिलवाड़ कर रहे हो, ये भी अंग्रेज से बिके हुए हैं। कोई कंपनी नहीं है गुजरात में जिसमें 25% मोदी के कमीशन न देता हो। आज भी हमारे मिर्जापुर चिल पे बालू गाड़ी सब चलती है, सब विधायक मंत्री के आदमी हैं, सब पैसा दे के चलते हैं।
हमारे गांव हरसिंहपुर गांव ग्राम हरसिंहपुर पोस्ट इल्टी थाना चिल जिला मिर्जापुर चिल थाना में हमारा फोटो भी लगा है। हमारे गांव में कितने मर्डर हो गए यादव लोग के, लाश भी मिला लेकिन वो केस लिखा गया अज्ञात में। अब सब जानते हैं कि मर्डर कौन किया है, हम खुद जेल काटे हैं। प्रधानी चुनाव में मर्डर हुआ था, गवाही दिए तो हमको ट्रक कांड में बजा दिए। आज भी हमको सजा सुनाया है यहाँ से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से बिल होकर के हम छूटे हुए हैं। चाचा एक शक हो रहा है मुझे। हाँ बोलिए। कहीं ये जो आपकी नाराजगी इस समय दिख रही है और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप एक ट्रक चालक भी हैं, तो कहीं हिट एंड रन कानून को लेकर तो ये नाराजगी नहीं है आपकी? पूरे के लिए कानून है, पढ़ाई भी अंग्रेजों का है। एक गांव में 10 स्कूल खुला है और सब अनपढ़ गवार है। जितने ज्यादा जो पढ़ा लिखा उतने वज्र बेईमान है। वो भी गवार है, जो अपने आप को नहीं पढ़ा पढ़ने से काम चलेगा? हम लोग पढ़े हैं, करे हैं, लड़े हैं, गड़े अनुभव किए। एक बात बताइए, महात्मा गांधी अहिंसा गुजारी से नाथुराम गोली क्यों लग गया? अहिंसा गुजारी मतलब होता क्या है? तो लोग तो नाथुराम गोडसे को इधर आ जाता है, लोग तो नाथुराम गोडसे को पूछते हैं। हाँ अच्छा करते हैं पूछते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि अहिंसा गुजारी मतलब होता क्या है? जो अहिंसा गुजारी उसके ऊपर चार चीज काम नहीं करता, तंत्र मंत्र यंत्र, यहाँ तक ब्रह्मा की शक्ति निष्क्रिय है, तो लोहा कहाँ से चल गया? इससे साबित होता कि वो अहिंसा गुजारी नहीं थे। मिताहारी जितेंद्रिय विजय लभते लोके मानुदेन नराधि पर सिंह में आकर भाई चोकरे शशा पाने शिखला बंदने चौकाड़ागढ़ काड़े काज बंदे वहींद्राए ब्रह्म लोक जाऊ सुखे मार रहे चौ ब्रह्म ग्रह बिनाते। यदि आप कर्म रेखा के अंदर में हो तो ब्रह्मा के गांड में उगा नहीं तुम्हारी परछाई को टच करे, क्योंकि तीनों लोग चौदह भुवन का एक संविधान बना है जो सत्य कर्म का संग करता है। सत्यनारायण भगवान उसका कोच बन के रक्षा करते हैं। अच्छा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चाचा सोचते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 जो आ रहा है वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए? होना चाहिए बैलेट पेपर पे। अगर ईवीएम में होगा तो महाभारत होगा। मोदी या समय अकेले है, मोदी के विपक्षी अनेक हैं, अब सब धावा बोलेंगे। घर में एक परिवार में झगड़ा हो जाता है 10 पटीदार जुड़ जाते हैं लड़ाने के लिए। ये तो देश विदेश का लड़ाई है, इसमें तो पूरा आदमी जुटे लड़ने के लिए भिड़ाएंगे लोग। अगला देश सोचेगा हम पाकिस्तान को आधा कब्जा कर लेंगे, चाइना सोचेगा हम आधा इसको ले लेंगे, इंडिया सोचेगा आधा हम ले लेंगे, सब भिड़ाने वाले हैं। ये अंग्रेजों का चाल है, विनाश होगा। सब मिला जुला के गुरुकुल चल रहा कहाँ विदेश में। हमारे भारत का जो संस्कृति है वो विदेशों में पढ़ाई हो रहा और विदेश का कचरा हमारे भारत में बिक रहा है। एक बात बताइए, पन्नी कहीं दुकान में नहीं मिल रहा, कंपनी बंद कराओ ना, कंपनी को नहीं बंद करा रहे हो इसका मतलब हफ्ता ले रहे हो। दारू का ठेका बंद करो कहाँ हफ्ता नहीं मिलता है। अब हीरोइन कोकीन कहाँ से बनता है? हमारे विंध्याचल में गाजा बिकता है, हीरोइन मिलता है, कोकीन मिलता है, ड्रग्स मिलता है, सोई मिलता है, ये कहाँ से आता है भैया? पुलिस वाले का पैसा न ले तो कहाँ से माल बेचेगा हो? तो सबसे बड़ा सत्यमेव जयते के बोर्ड लगाए हैं आतंकवादी पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले खादी और खाकी ये तीन आदमी पूरे समाज को खा गए। अब ये आने वाले समय में फिर राज्य चलेगा, कल 12 बजा था ना, आज भी 12 बजेगा, ये सरकार नहीं चलेगा। यहाँ पे हम टोकेंगे आप। हाँ बोलिए। ये अभी आपने जो है कहा कि खाकी जो भी है सब मिले हुए हैं, सब मिले हैं ऊपर से नीचे तक। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं वो, ठीक है, वो और उनका लाइन आर्डर अच्छा है। हाँ, उनका अच्छा क्या उनके लाइन आर्डर के बावजूद ऐसी? लेकिन उनके जो कार्यकर्ता वो तो गलत कर जा रहे हैं ना। मोदी योगी तो ठीक है, चलो और कार्यकर्ता जैसे हमारे गांव में बीजेपी बोल देता है, उसमें 80% नेता बेईमान है हमारे गांव के जो है बीजेपी में है। हमारे नाम जमीन है और जमीन हमको नहीं मिल रहा। अभी देखा है आपको मोबाइल में हमारा खतौनी दादा बाबा सब बोल रहा है लेकिन अभी तक हमारा खेत नाम नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, उसको हम लगा देंगे मोबाइल में। हा? अच्छा ये बताइए कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या लगता है बीजेपी? इसमें महाभारत होगा। अगर बीजेपी जीतेगा तो भी महाभारत होगा, नहीं जीतेगा तो भी महाभारत होगा। महाभारत होना है क्योंकि ये घर घर आग लगा दिए हैं। एक बात बताइए, एक गरीबी दूर कर रहे थे ना, चलो अभी आदिवासी जंगल में देखा है जो मुसहर है किसी का जो है आपको कार्ड नहीं मिलेगा। हमारे गांव में बुलेट है उसका लाल कार्ड दिखाएंगे आपको। हमारा खुद ही लाइसेंस रद्द कर दिए। जो कोटा में गल्ला बांट रहा है वो 4 तल्ला मकान बना लिया। अब खाने वाले आज भी गरीब कल भी गरीब, मतलब 5 किलो गल्ला दे करके घरवा दुअरवा सब नाम करा लो, वो साइन कराते हो ना अंगूठा लगता है, इसमें भी गोलमाल है। अच्छा ये बताइए, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, सरकार इतना अच्छा काम कर रही, 5 किलो राशन दे रही है, गैस वाली सुविधा, उज्ज्वला वाली सुविधा दी, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उज्ज्वला वाला भी सुन लो, एक सिलेंडर आपको उज्ज्वला दे दिए जो है फ्री में। उधर से पैसा काटे, उधर से भी पैसा ले रहे हैं, जो बनवाने जाओगे उस भी दलाली कमाएंगे। पहले रंडी को भड़ुआ को दलाल कहते थे, अभी घर घर दलाल हो गया, देश चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी चोर हम भी चोर, हम सोच रहे उसको जहर दे दे वो मर जाए, और वो सोच रहे हमको जहर दे दे वो भी मर जाएगा, हम भी मर जाएगा, धन वहीं को वहीं रह जाएगा, लास्ट में यही स्थिति होगा। तो शिवजी शुक्ला चाचा भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट है लेकिन अब संतुष्ट नहीं है इसलिए कि जितने इनके कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दें। जैसे हमारे यहाँ है बताओ रत्नाकर पंडा है, विधायक है हमारे विंध्याचल के, हाँ
गांजा कहाँ बिक रहा, दारू कहाँ मिल रहा का थाना वाले को मालूम नहीं है, तो बंद कराओ ना उसको, तो कंपनी बंद कराओ तो इधर पैसा बंद हो जाएगा। तो दोनों तरफ से एक बात बताओ, नशा हानिकारक है तो दारू क्यों बनवाए हो भैया, और दारू के टैक्स पे आधा सरकार टिकी है तो दारू क्यों नहीं बंद करा रहे हो। एक आदमी दारू पिया, उसका बच्चे भी परेशान हुए, उसके बीवी भी परेशान हुआ, दारू नशा क्या है। अरे नशा जो करना है बड़े बड़े अधिकारी लोग करते हैं, उनको एक सिस्टम बना के दो। अब जैसे गुजरात में कहा था 10 रुपया दारू मिलता था, लाइसेंस था, घर घर मिलता था दारू, अब लाइसेंस नहीं है तो वही 10 रुपया का दारू 90 रुपया हो गया, 10 रुपया कहाँ किसका बढ़ा। ये सरकार काली कोट, जज भी काली कोट पहनता, वकील भी काली कोट पहनता, जो मूर्ति लिया वो भी काली कोट पहनता है। अंधकार को प्रकाश करना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश के जगह अंधकार ही फैला रहे हैं, प्रकाश का नामो निशान नहीं है कहीं तक। ये बताइए, कहते हैं भैया जो जन्म लेगा मरेगा, कितना लोग जिंदा, कितना लोग स्वर्ग गए सहते हैं, क्यों भैया वो पढ़ाई बंद करा दिए, गुरुकुल क्यों चल रहा है अमेरिका में। इसके पहले विज्ञान नहीं खोजा, मोबाइल और कंप्यूटर, जब हमारा विश्वविद्यालय नालंदा लूट के ले गया तो सब खोज के बना लिया, सब हमारे इंडिया के सब बिके हुए विदेशों के हाथ, समझ में आ रहा। अब यहाँ हमारा इंडिया को गुलाम बनाना, आज भी गुलाम है, जैसे जमीन जंगल पर्वत जो है लीज पे देते हैं ना, उसे हमारा देश भी आज लीज पे चल रहा है। एक बात आपने अभी बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर फिर से 2024 में रिपीट हो जाती तो भी महाभारत होगी। महाभारत आने, जैसे हल खत्म हो गया ना, हल किसान का हल था, कृषि में हल भी आता था, वैसे इसका भी नाम निशान खत्म होने वाला है, क्योंकि गरीबन का बहुत इकट्ठा हो चुका है, ये फूटने वाला है घड़ा। अब घड़ा फूटेगा भाई, कैसे गरीबों की। अब देखिए हमारे जमीन हमारे नाम नहीं, दूसरा कोई जूत रहा, दूसरा कोई बना रहा, हमारा जमीन खुद है, हमारे नाम दादा बाबा को बोल रहा है। मिर्जापुर से कागज गायब करवा दिए, क्योंकि सब उनके एसपी डीएम जज है हमारे पटीदार लोग, अधिकारी सुने गरीब को नहीं। एक कानून बड़गन के लिए नहीं, गरीबन के लिए कानून है। हमारे यहाँ रेप करके आ रहे हैं, बढ़िया आजाद से घूम रहे, वैसे मरा देखो तहसीलदार सिंह थे, एक मच्छर नहीं मारे, लेकिन उनसे जो है पूरा देश परेशान थर थर कांपता था, लेकिन देखिए क्या हुआ हाल सेमरा गांव में। आप रेप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सरकार जो है महिला सशक्तिकरण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे खुद है। अभी देखिए राजनाथ सिंह थे मिर्जापुर प्रोफेसर, यहाँ जो है रायबरेली में लड़की कांड हुआ था, उसके 3-4 लड़की को मार दिया, उसका परिवार तक खत्म हो गया, कोई केस नहीं लिखाया अभी तक। अति खाल आउट कौन मारे थे ना राजा भैया, वो जो डीआईजी साहब का मर्डर हुआ था, उसमें उसकी औरत बोली थी, लेकिन वो केस को क्यों दबा दिया गया, पैसा। अधिकारी सुनते, जनता को नहीं सुनते, जनता को बस बेलन की तरह घुमाते हैं, बस अधिकारी लोग यही काम करते हैं। चाचा ईवीएम क्यों बंद कराना चाहते हैं। ईवीएम इसलिए बंद होगा, एक कंप्यूटराइज है, एक बार बटन दबाएंगे 10 फोटो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसमें वो सेटिंग होता है अंदर का। अब भीम आर्मी भी आ गई है ईवीएम, भीम आर्मी, अब भीमा आर्मी को जनता देखेगा, क्योंकि अब सब जनता जो है चालाक हो गई है। कांग्रेस को भी देख लिया, महात्मा गांधी थे देश को खा गए बांट के, जिस खानदान में बीज बदल जाए, जिस खानदान में औरत छीना निकल जाए, जिस घर में दो मालिक बन जाओ, घर कभी विकास नहीं करता, बिना जरूर करता। और जो हमारे देश को बांटे, जो हमारे गांव को बांटे, जो हमारे खानदान को बांटे, जो हमारे कुल को बांटे, ये सब पक्का धरती के बोझा हैं। ये सबको मर जाने से ही हमारा धरती जो मतलब बोझा विहीन होगा, नहीं तो भार युक्त कर रही है हमारी धरती। अब आने वाले समय तो ऐसा दर्दनाक होना, अब बताओ पानी फ्री में मिलता था, सांस फ्री में ले तो पानी कहाँ से बेचना चालू कर दे, पानी भी बिकना चालू हो गया। लोग पानी पिलाते थे, मकान बनवाते थे रहने के लिए, गौशाला खुलवाते थे, भैया चलो यहाँ रहेंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, लेकिन आज पानी बेचना चालू कर दिए। जब बताओ जब इंसान का पानी बिकना चालू हो गया तो संसार कितना दिन चलेगा बताइए। कहीं जिस गांव में पानी न रहे उस गांव में नहीं रहना चाहिए, जिस मर्द के अंदर पानी ना उसको मर जाना, ये सब धरती के बोझा है। तो ऐसे ये लोग भी जितने हैं सब धरती के बोझा है। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट ये बताइए, अगर मान लीजिए कि ईवीएम से चुनाव नहीं भी होता है, बैलेट पेपर से होता है, वो ठीक, क्या भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। हारेगी नहीं, जीतेगी, उस पर भी जीतेगी, लेकिन जीतने के बाद भी महाभारत होगा, क्योंकि जो पैसे देके, जो अभी एक बीजेपी का एक नंबर है टोल नंबर, जैसे हमारे यहाँ एक महेश नेता है गौ रक्षक, वो नंबर में टोल करके तुम्हारा मोबाइल लगा दे, तुम्हारा वहाँ ठप्पा पंजा हो गया, और पैसा इधर जो है काली एक जीप मिलता है ना, वो पैसा बांटते हैं, सब पैसा कैसे जीतते होते सब घटाटक दे रहे हैं मांगा। जैसे प्रधानी चुनाव होता तो पैसा फेंक रहे, वैसे विधायकी चुनाव रहा तो पैसा फेंक रहे, श्रीपट्टी पैसा कम से कम कितना पकड़ाया, सब पैसा जब्त हो गया, पैसा पे सब बिक गया, इसमें इसीलिए महाभारत होगा। मिला के आप ईवीएम आंदोलन के साथ हैं। हाँ ईवीएम आंदोलन के साथ हैं, कंप्यूटर आंदोलन के साथ हैं, ये विज्ञान जो है ना विनाश कगार भी ले गई है अभी। तो क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीन को बैन करेगा। बैन करेगा नहीं करेगा, देश का मतलब वो भी पैसा लेके मिला है,
अगर जनता बता रही भाई गलत है तो उसको बैन करो, अगर बैन नहीं करो इसका मतलब तुम भी पैसा लिए हो, इससे तो यही साबित होता है भाई, या तो आप उसको बैन करो। जनता की वो है कि सरकार की वो है, पहले ये बताइए। अच्छा ये बताइए, वहीं पर लोगों का कहना ये है कि ईवीएम से अब लोकतंत्र को खतरा है, अगर ईवीएम रहेगी धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ईवीएम से संविधान को खतरा है, आपकी क्या राय है? एक बात बताइए, लोकतंत्र का मतलब होता क्या? लोकतंत्र का मतलब रूप रंग आकार बतावे, उसका हमको गुण बतावे, उसका हमें गुण बतावे भाई। अरे लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो आज आप खुली आजादी से सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी बात को कभी भी किसी भी समय किसी वक्त किसी के सामने खुले विचार के साथ रख पा रहे हैं। कोई खुला विचार नहीं है, जब उसका धन संपत्ति सब हड़प लिया गया तो खुला विचार कहाँ है? ये तो दिखावटी है, ऊपर खुला अंदर में सब दबा रहे हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल माल गप बाहर वाला कचरा वाला बाहर दिखा रहे हैं जनता को। अब जैसे 25 लाख बोले थे हम काला धन मंगाएंगे विदेश से अंदर, 25 लाख देंगे, कई इंसान को दिए 25 लाख बता, 15 लाख कई इंसान को दिए, 15 लाख किसको दिए? राम मंदिर से कितना पैसा चंदा उतरा, कहाँ गया पैसा, हिसाब किताब क्या भाई? राम मंदिर बनाओ करे बाद भी पैसा खूब उतरा, कहाँ गया पैसा पता नहीं। उसके बाद तुम बोतल चार बोतल जो है प्लास्टिक का जैकेट बना के 4 लाख रुपया घुमा रहे हो, जनता को दिखा रहे हो प्लास्टिक का जैकेट पहनोगे? हाँ लोग सूती पहनते हैं भैया, हमारे शरीर को हानिकारक न दे। अब बोतल का जैकेट पहना के देश में नाम करवाना चाहते हो, बोतल जो साला पी के फेंक देते हैं वो कचरे को तुम जैकेट पहना रहे हो। जब कचरे को अच्छा में ला के परिवर्तन कर रहे हो तो मतलब आप अच्छे को भी कचरा बना दोगे। इसलिए अब यह है कि मोदी के हटाओ देश बचाओ, अब घर घर मोदी नहीं रहेगा ना घर घर वो रहेगा। मोदी हटाओ घर, हाँ मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी से इतनी नफरत क्यों है आप? नफरत इसलिए है जो अपने बीबी को नहीं रख पाया, अपने बीबी को परिवार को नहीं इज्जत दे पाया, वो समाज को क्या चलाएगा? पहले एक औरत का दर्द जानो। और तो वो योगी हैं, योगी वो नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी है, ये योगी नहीं है। उनको भी बताया जा रहा है वो संत हैं। संत नहीं है, संत होते तो उनका जो है जो बीबी थी क्या नाम था उसका जो है यशोदा बहन, वो खुद बोली है कि बहुत गंदा गंदा बात बोला था मोदी को। उसका हम भी वीडियो देखे, मंगाओगे तो आ भी जाएगा वीडियो नेट पे। जब वो औरत को नहीं रख पाया, औरत को नहीं संभाल पाया तो देश को क्या संभालेगा? देश में तो बहुत औरत है, तुम एक औरत को नहीं संभाल पाए। देश के हित के लिए उन्होंने अपने देश के परिवारिक संसार को छोड़ा। योगी आए, योगी छोड़ के आए, माँ बाप के मरने में भी नहीं गए, योगी है उसका भी, मोदी नहीं है। तो मोदी जी भी तो मोदी के साथ जो तकला साज जी है ना साजी, कहीं गंजा नाटा आदमी बहुत खतरनाक होता, कहीं ऐचा बैचा काना कोड़ी लूलाई बहुत दुगला होते भाई। ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर चलना चाहिए। बैलेट पेपर एक बार ठप्पा मारोगे वही एक पर्ची रहेगा, चार बार मारोगे तब तो चार बार होगा। ईवीएम में एक बटन दबा दिए, चार बार कर दिए तो चार बैलेट निकाल देगा। तो कुल मिला के ईवीएम पर बैन लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए बैन। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग बाग है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनकी क्या राय, क्या नाम हुआ आपका? सोहनलाल यादव। ये बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है नजदीक, क्या लगता है इस बार किन किन जो है मुद्दों पर लोकसभा चुनाव होने वाला है या फिर होना चाहिए? मुद्दा तो सर यही है, गाय भैंस यही छुट्टा साढ़ घूम रहे हैं, किसानों की फसल नुकसान हो रही है, मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है देश का, और कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा एक ABM है, जब से BJP आई है ABM है, तब तक BJP है, ABM नहीं रहेगी तो BJP नहीं है। ईवीएम बैन होना चाहिए, हाँ ABM बैन होना चाहिए। ABM के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हड़ताल पे हैं, देश हड़ताल पे है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, ABM नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि ईवीएम से ही जो है सरकार अभी तक टिकी है, सारा समीकरण ईवीएम का है और कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि ईवीएम बैन होना चाहिए? ईवीएम बिल्कुल बैन होना चाहिए, ईवीएम रहना ही नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, हाँ ईवीएम से सारा मामला खराब हो रहा है यहाँ। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं कि ये चाचा हैं, आइए चाचा इधर आ जाए, इधर आ जाए, चाचा से भी बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ चाचा? बालानाथ द्विवेदी। ये बताइए, ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, ईवीएम को लेकर हाहाकार की स्थिति समय बनी हुई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम पर पाबंदी लग जानी चाहिए, और वहीं पर लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। तो क्या लगता है, सबसे पहले तो हम ईवीएम के बारे में चर्चा करेंगे कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए या फिर ईवीएम? भाई वो ईवीएम पर अब आदमी को विश्वास नहीं है, टूट चुका है, तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करा दिया जाए, इसमें कौन सी खराबी है?
आपका हाँ, विचार क्या है? हमारा विचार जो दुनिया जिस पर टिकी है उस पर हम भी टिके हुए हैं। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? अब बिल्कुल हो सकती है, नहीं हो सकती, इसको तो हम लोग कोई मैकेनिक तो है नहीं ना, इंजीनियर है, लेकिन जो जिस तरह से पोजीशन होती है हाँ। तो आदमी जो कहता है भाई, तो जो 10 आदमी कह रहा है वही बात मान्य है, अगर हम 2 हैं वो 10 हैं तो बात तो उनकी मान्य है। हमारे ठीक है, मान लीजिए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जा रहा है, तो बैलेट पेपर से क्या फ़ायदे होने वाले? बैलेट पेपर में ये सब आदमी को ये हो जाएगा कि हमने किसको वोट दिया हाँ। हारा या जीता, तो क्या अभी पता नहीं चल रहा हमने किसको भाई? अभी तो ये पोजीशन कर देते हैं ना कि हारे वोट एजीएम नहीं होती तो बीजेपी न जीतती, तो वे बीजेपी को चाहिए कि उससे बैलेट पेपर से कराए। देखिए कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि अगर डर नहीं है तो बैलेट पेपर से जीत के दिखाएं। बिल्कुल बैलेट पेपर से भाई, हम में कोई कमी नहीं है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में चाचा क्या भूमिका रहेगी आपको, आप लोगों की इस बार? अरे हम लोगों का तो फांसी की सजा हाई है हाँ। तो अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों की क्या भूमिका है, हमारी आत्मा क्या कह रही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है हाँ, तो उसके विषय पर आज तक नहीं उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को ये कह दे कि भैया नहीं, जिस तरह हो उस तरह रहेगा, आपके लिए कानून नया नहीं बनाया जाएगा हाँ। अगर वो बात ये कहते कि कानून नहीं बनाया गया तो उन्होंने रोड बनवाया, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, हम लोग भी अच्छे थे, लेकिन अब डर तो हम लोगों के पास, जैसे बेचोर को चोर बनाओ तो उसी तरह हम लोग हैं भैया, ऊपर से भले मोटर चला रहे हैं, अंदर से तो चोर घुसे हैं हाँ। तो वो खुल के तो ड्राइवरी हमारे लोगों की है नहीं, और जब ड्राइवरी नहीं है तो अब वही हाल है कि मरते का न करते। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 जो आ रहा है, किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना चाहिए? अगर ये ड्राइवरों को अवगत नहीं कराते, आश्वस्त नहीं करते हैं, तो इसमें उनको धोखा भी है, आपसे हम ये भी बताए दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रिपीट करेगी या फिर? यह तो समय बताएगा सर, इसको कोई आदमी नहीं बताता। आपको मुस्कुराहट बता रहे हैं, कातिलाना मुस्कुराहट। नहीं, ये तो समय बताएगा, इसको हम नहीं कह सकते, इसलिए कि जब भी जो किया है उसका प्रारब्ध हर आदमी को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम तो कभी भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि एजीएम गड़बड़ है, एजीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर से करा दीजिए, आपको जीतना है तो जीतना है, हारना है तो हारना है भाई, जिससे प्रजा स्वतंत्र हो, जिससे संतुष्ट हो, वही कार्य करना चाहिए। ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन करा करके बैलेट पेपर से करा दिया जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे, हमारे साथ बहुत सारे ट्रक चालक थे और साथ ही तमाम समाज सेवी ग्रामीण भी थे जिनसे हमने वार्तालाप की। आप लोगों ने सुना कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों में यह बात जो है व्याप्त है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम से ना होकर के बल्कि बैलेट पेपर पर हो, लोगों की राय क्या है आप लोगों ने सुना। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।